डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग के बच्चों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर करीब महीनों से मेहनत कर रहा है और प्रोजेक्ट को डेवलप करने में उनको सहयोग किया है और एक अच्छे संस्थान के रूप में भी डेवलप करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। इसमें लगा हुआ है सर, चैम्बर है, फिल्ट्रेशन चैम्बर है सर, जहाँ से ये पूरा फिल्टर हुआ है सर। और सर ये वाटर लॉक्ड एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है सर। और सर जो इसमें से कचरा निकल रहा है उसका हम कंपोस्ट बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं, ताकि वो सर कचरा हम कहीं और जगह ना फेंकें। सर सर आप देख सकते हैं सर, पूरा पानी एकदम साफ है सर। IIESM की और यहाँ के इंजीनियरिंग के छात्र जो है देश के विकास के लिए और देश के मॉडल बनाने के लिए यहाँ के भारत के और विदेशों के जो भी इंजीनियर्स हुए हैं उनके साहित्य को भी इन्होंने प्रदर्शित किया और एक अच्छा मॉडल देश के विकास के लिए किया। प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है किसानों के विकास के लिए और किसानों को लेकर के इन्होंने कई मॉडल तैयार किए। आइए हम पहले जानते हैं कि तकनीक के विकास में किन वैज्ञानिकों ने सहयोग किया है देश को। हाँ के लिए काम किया है उनके बारे में सारी साहित्य को इंडिकेट करते हुए और उसका जो है एक स्टॉल लगा रखा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी यहाँ पर प्रोजेक्ट का निर्माण किया है जो देश के विकास में वहाँ तकनीकों का सहयोग किया। हमने सभी जगहों पर आलू की बुआई होती है। आलू की एक ऐसा खाद्य पदार्थ को रूप में सब्जी के रूप में लिया जाता है जो कि भारत के हर प्रदेशों में हर क्षेत्र में उसका उपयोग है। आइए हम जानें कि आलू की बुआई के लिए किसानों ने नई तकनीक का इस्तेमाल कैसे करेंगे और वो अपने पैदावार को बढ़ाएंगे और देश को विकास। आज किसानों के मुद्दे को लेकर के हर राजनीतिक पार्टियाँ जो है देश और देश की राजनीतिक पार्टियों को सत्तारूढ़ दलों को खासतौर पर कहें तो निशाना बनाती है। हम जानते हैं इस प्रोजेक्ट से किसान कैसे लाभान्वित। सर ये हमारा प्रोजेक्ट है पोटैटो प्लांटेशन वाले से। सर पे हम लोग आलू की बुआई करते हैं, हमें बेसिकली आलू बॉक्स ये 3 आदमी को आवश्यकता होती है। इस मशीन से हम लोग बिना किसी आलू के रिक्वायरमेंट में ट्रैक्टर या जो मिल जो स्कूटर आने लगी उसके थ्रू इसे आगे अटैच करेंगे यहाँ हैंडल से, उसके थ्रू हम आलू डालेंगे और 3 आदमी को प्लांट करते हैं। हम लोग इसमें इक्विपमेंट बचाएंगे अभी हमारा माइक आईडी रखा है और कहीं गायब हो जाए जहाँ पेड़ लगा हुआ बच्चों को उनके ज़्यादा फायदा होगा और जो वेजिटेबल्स के रेट हैं इससे आप यदि एक हेक्टेयर फील्ड को यदि बोते हैं आलू यदि आप मैनुअल लेते हैं तो आप 4 दिन में बोएंगे और इससे हम 2 घंटे या 3 घंटे में मैन मशीन पूरा कंप्लीट काम कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ। ऐसे आदमी को ज़्यादा डाट भी हो सकता है, चोट भी लग जाती है उसको भी, इसमें हम डाल के पूरा प्रॉपर वर्क करते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। IIESM के इंजीनियर के छात्र तकनीक को डेवलप
डेवलप करके उन्होंने एक संदेश ये देना चाहा है कि मैं आलू की खेती में अच्छी उपज करते हुए अपने श्रम के जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है उसको कम करने का काम भी हम करेंगे। धन्यवाद। 15 सितंबर है, 15 सितंबर इस दिन तकनीक के आविष्कार को याद किया जाता है और नई तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाता है। इन सारे प्रोजेक्टों को IIC SMT कोऑर्डिनेट करने वाले शशांक जी हैं। आइए हम शशांक जी से बात करते हैं कि कैसे बच्चों को इस तकनीक के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने हमारे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के सभी छात्रों में मिलकर लगभग 55 से अधिक प्रोजेक्ट डेवलप हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा सर, ये 55 प्रोजेक्ट नहीं है जबकि ये बल्कि ये 55 समस्याओं का बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव से एक सलूशन देने का प्रयास किया। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के बच्चों को बधाई भी देना चाहता हूँ कि इतनी भारी संख्या में बढ़ चढ़कर उन्होंने इस शिक्षा में पार्ट लिया और कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले मैंने ये प्रोजेक्ट सर वाटर लॉक्ड एरिया के लिए बनाया गया है, रेजिडेंशियल एरिया सर, जहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं सर, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, फूड मॉल्स सर, जहाँ का इनका जो गंदा पानी होता है सर, उसको मैंने एक चैम्बर पे इकट्ठा किया क्योंकि यहाँ पे सर वाटर लॉक्ड एरिया था। क्योंकि जो हमारे नदी के किनारे का एरिया होता है सर, वो बेब सिटी में होता, कहीं नीचे कहीं ऊपर, कहीं नीचे कहीं ऊपर सर, इनका पानी यहाँ पर अटक रहा था। इसको सर मैंने आगे निकालने के लिए सर यहाँ पे एक चैम्बर बनाया, जो मैंने यहाँ चैम्बर बनाया, सारा पानी यहाँ इकट्ठा हुआ, उसको सर एक नाली के थ्रू, एक ड्रेन के थ्रू सर मैंने अपने सीवेज में ले गया। सीवेज में सर गंदा पानी यहाँ आया, मैंने यहाँ पे सर एक चालनी लगाई जो कि सर सॉलिड पार्टिकल और सर पन्नी जैसे गलत पदार्थ को यहाँ पे रोकते हैं और सर पानी को सीधा आगे ले जाते हैं। सर पानी को आगे ले जाने के बाद यहाँ सर पत्थर नीचे बैठ जाता है, पानी फिर और आगे जाता है सर। इसके बगल में यहाँ से सर इस पार्सल चैनल से सर यहाँ पे बगल में एक पाइप जो हमारी गई हुई है वो सर सीधा कंपोस्ट, क्योंकि सर इससे जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल निकल रहा है हमारा वो सीधा सर कंपोस्ट, उससे हम घास बनाने का काम, खाद बनाने का काम कर रहे हैं, जो घास फूस उसके अंदर जा रहा है सर सीधा वहाँ पे हमारा। इससे ये फायदा हुआ सर कि हमारा घास भी बन जा रहा है। दूसरी बात सर, इससे हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये पानी जब यहाँ इकट्ठा था तो ये पानी सर हमारे घरों के फाउंडेशन को बेकार कर रहा था सर, घर गिरने का डर रहता था, जब सर नींव ही बेकार हो जाएगी तो घर तो गिरेगा ही गिरेगा। दूसरी बात ये था सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये पानी जब छन के सर जमीन के अंदर जाता था तो साफ पानी से मिक्स होता था, और जब साफ पानी से मिक्स होता था सर, उस पानी की मात्रा जो है उसकी पोटेंशियल हाइड्रेट pH वैल्यू एकदम कम हो जाती थी। और सर वो हम लोग पीने, आपने सर हर जगह देखा होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा, हर जगह सुना होगा सर कि 25% आदमी आज के टाइम पे गंदा पानी पीने की वजह से उनकी मौत हो जाती है सर। इसी इस प्रोसेस को देखते हुए और नमामि गंगे के तहत इसको जोड़ने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट सर वहाँ के लिए बनाया हुआ। चल गया। इसमें आग गंगा और गोमती के से पानी के प्रदूषण को हटाने का काम किया जा रहा है और आए दिन ये समस्याएं पूरे देश में ग्रामीण अंचलों में खास तौर पर पानी के भराव और उससे होने वाले बीमारियों से फैल रही है। पानियों का संरक्षण करने की समस्या सबसे बड़ी है और इस संरक्षण के लिए रूरल एरिया में IIC SMT के छात्रों ने एक नया प्रोजेक्ट बनाया जो कि बहुत कम लागत में आम आदमी इसको पानी के संरक्षण के लिए काम कर सकता है। पानी की समस्या आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी और उस समस्या को दूर करने के लिए IIC SMT के छात्रों ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। आइए जानते हैं उनसे की मेरा नाम सुधर, प्रोजेक्ट तैयार किया है सुल्तानपुर सिटी के लिए तैयार किया है। सर्वे में पाया गया सर कि ऐसे लगभग हर सिटीज़ में कम से कम प्रॉब्लम है सर। इस प्रॉब्लम को जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है सर, सर हमने किसी कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं यूज़ की है, हमारी जो स्ट्रीट है, हमारी जो गली है सर, मैंने उसका यूज़ किया है सर। हमारी मिनिमम गली 12 फुट की होती है, मैंने 7 फुट सर लंबाई उसके लिए 60 फुट ली, ब्रेथ चौड़ाई मैंने 20 फुट लिया और उसकी गहराई सर मैंने एकदम गहराई डेप्थ जिसको बोलते हैं 15 फुट लिया। मैंने सर उसको सैनिटरी टैंक की तरह यूज़ किया और सारा वहाँ का जो सीवेज का पानी है, जो नालियों का पानी है, उसमें ले जाकर डाला और उसको ड्रेन के थ्रू सर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लाकर डाला। सर आप देख सकते हैं यहाँ पर गंदा पानी यहाँ से आ रहा है सर, सारा गंदा पानी यहाँ से आकर यहाँ से सारा छन रहा है सर। ये सब चैम्बर के नाम है जिसमें से पानी सब छनते हुए सर सीधा हमारा नदी में जा रहा है सर। यहाँ पे मैं एज अ मॉडल के तरीके से यहाँ नदी में नहीं प्रोवाइड कर सकता, लेकिन सर नमामि गंगे के थ्रू मैं ये प्रोजेक्ट सुल्तानपुर में लाना चाहता हूँ क्योंकि सर ये आज के टाइम पर बहुत बड़ी समस्या है और जो कि सर जिसका निवारण करना हम लोगों का एक इंजीनियर का काम है। आज हम अमेठी के IIC MT कॉलेज
में है और यहाँ पर इंजीनियरिंग के छात्रों ने नए प्रोजेक्ट और देश के विकास के लिए एक नई तकनीक देने का काम किया है। इस संस्थान के निदेशक सुरेश जी के साथ हम बात करते हैं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को तैयार करवाने में और कैसे छात्रों के इंजीनियरिंग के लिए उनके विकास के लिए उनके मार्गदर्शन करने का काम किया। आइए हम सुरेश जी से बात करते हैं। सर, आपने बच्चों को इस प्रोजेक्ट की नई तकनीक की, आपकी फर्स्ट ईयर MBA, सारे छात्रों ने इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, क्या कहना चाहेंगे और कैसे इस चीज़ को उनके अंदर इतनी जल्दी इम्प्रूव किया है, क्योंकि अभी जल्दी एडमिशन हुए हैं विद्यालय में और बच्चे इस तरह के प्रोजेक्टों को तैयार किया है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ आज हमारे इस कॉलेज में आए और आपने हमारे प्रोजेक्ट देखे। आपने प्रोजेक्ट ऑलरेडी करीब 45-50 प्रोजेक्ट देखे हैं और ये एक तरह से इस अमेठी रीजन की जीत है कि यहाँ के बच्चे भी मतलब एक वर्ल्ड क्लास काम कर सकते हैं। अब हम ये काम कैसे करते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक बड़ा हम बिलीव करते हैं कि हम बच्चों में एक आत्मविश्वास पैदा करें। ये हम यहाँ पे हमारा कंटिन्यूस जो कल्चर है एकेडमिक कल्चर इसकी ओर अलाइंड है और इसमें हम चाहते हैं कि बच्चे जो है क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज़ सामने लाएँ। अब एक होता कैसा है कि हम बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपोजर देते हैं, उनको हम इंडस्ट्रियल विजिट से भेजते हैं, उनको हम सेमिनार अटेंड कराते हैं, वर्कशॉप अटेंड कराते हैं, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता जैसे या लखनऊ जैसे शहरों में भी भेजते हैं और उससे इनको आइडिया आते हैं। और हमारे बच्चे एक अच्छा काम करते हैं कि वो किसी कॉम्पिटिशन से भागते नहीं हैं, कॉम्पिटिशन को इन्वाइट करते हैं और उसमें जाते हैं। इन सारी प्रोजेक्टों को तैयार करने में चूँकि ये भूमिर क्षेत्र में विद्यालय स्थापित किया गया है, जबकि इंजीनियरिंग के कॉलेज ज़्यादातर देखे जाते हैं कि अर्बन क्षेत्र में स्थापित हैं और रूरल क्षेत्र में इतने अच्छे प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनको कैसे आप प्रोत्साहित करते हैं? सी, हमें जैसे मैंने पहले बताया कि हम बच्चों में उनको बता दिया आप एक हीरे हैं, हीरा तभी अच्छा बन सकता है जब वो थोड़ा मेहनत करें। और हमारे बच्चों में एक जो मेट्रो सिटी से फ़र्क ये है कि वो और मेहनत करना चाहते हैं, वो मेहनत से भागते नहीं हैं। तो बच्चों में वो मेहनत करने की भावना है और अच्छा अचीव करने की भावना है। और आजकल के ज़माने में जबकि इंटरनेट है, शहर के बच्चे और गाँव के बच्चे में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। शहर के बच्चे बल्कि ज़्यादा बिगड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है, मॉल्स हैं, पिज़्ज़ा हट है और पिज़्ज़ा वाले इस तरह के जॉइंट्स हैं। हमारे यहाँ पे ये नहीं है, वो अच्छा है, उसी बहाने बच्चे फोकस रहते हैं और मैक्सिमम अपना एकेडमिक्स में और प्रोजेक्ट्स में ध्यान देते हैं। इसलिए आपने देखा आज हमारे बच्चों ने कितना अच्छा काम किया। और हमारे यहाँ पे एक और अचीवमेंट में जो हाईलाइट करना चाहूँगा वो हमारा है पेपर राइटिंग। कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई एजुकेशन संस्थान का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि कितने पेपर लिखे हुए हैं। और मैं गर्व के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे 60 इंटरनेशनल पेपर हमारे बच्चों ने लिखे हैं और सेकेंडरी लिखे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है पॉसिबल। ऐसा काम शायद IIT में भी इतना नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे लोगों ने 60 निकले हैं, मंदिर लिखे हैं, जिसका कि वेबसाइट में भी हमने जिक्र किया है। तो ये बहुत बहुत बड़ी जीत है मीठी और यहाँ के लोगों की। आपको साथ साथ मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि इस ग्रामीण क्षेत्र में इंजीनियरिंग के लिए इस विद्यालय का जो है आसपास के ज़िलों में एक अच्छा महत्व है और यहाँ की डिसिप्लिन की चर्चाएँ अगल बगल की जनपदों में होती है। और सुरेश जी अपने विद्यालय की डिसिप्लिन के लिए भी और बच्चों के मार्गदर्शन में हमेशा आगे रहे हैं, जिसकी चर्चाएँ बच्चों में भी होती रहती है। धन्यवाद।